नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुकॉम्स ऑफ एसएससी चैनल पर। स्टूडेंट्स, आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का रिज़ल्ट आ चुका है। उसके अंदर नंबर ऑफ़ शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो कि सीबीटी के बाद शॉर्टलिस्ट हुए हैं और उनको साइको के लिए बुलाया जा रहा है। कुल 8 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। कुछ रीजन्स का रिज़ल्ट आ चुका है और कुछ का आज में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या उठता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन उठता है टेक्नीशियन के रिज़ल्ट के बारे में। बच्चों का ये डाउट हो रहा है कि सर टेक्नीशियन का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, क्योंकि अब एएलपी का तो आ चुका है, उसकी लिस्ट आ चुकी है, लेकिन टेक्नीशियन के रिज़ल्ट के बारे में कोई खबर नहीं है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो मैंने पहले भी इस वीडियो के अंदर आपको बताया था, एक वीडियो के अंदर, कि टेक्नीशियन का जो रिज़ल्ट है वो ऐसे नहीं आएगा। टेक्नीशियन के रिज़ल्ट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। टेक्नीशियन का जो रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स, वो फाइनल रिज़ल्ट जब आ जाएगा एएलपी का, यानी कि जिसमें साइको के मार्क्स इंक्लूडेड रहेंगे, एएलपी के 70% ऑफ सीबीटी और 30% साइको, उसके बाद जो मेरिट बनेगी उसके साथ टेक्नीशियन का रिज़ल्ट आएगा। अब कुछ बच्चों के मार्क्स जो बहुत हायर होंगे और उन्होंने टेक्नीशियन को पहली प्रेफरेंस दी होगी, तो उनको साइको के लिए शायद ना बुलाया जाए इसके अंदर, या फिर जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, अगर वो देखेंगे और उन्होंने टेक्नीशियन को पहली प्रेफरेंस दी है, तो उनको साइको के लिए नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि वो सेफ़ होंगे टेक्नीशियन के लिए। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको साइको के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा, क्योंकि आपने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी है, एएलपी को। तो इसीलिए साइको का जो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा साइको के साथ, उसके अंदर मेरिट बनेगी। अगर आपके मार्क्स 70+30 जो जुड़ेंगे उसके अंदर कम आ रहे हैं आपके, आप एएलपी में क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, तो आपको टेक्नीशियन में देखा जाएगा। टेक्नीशियन के अंदर भी क्वालिफाई नहीं हो रहे तो आप बाहर होंगे। याद रखिएगा, दो क्राइटेरिया रहेंगे, अगर आपके सीबीटी के 70% मार्क्स और 30% आपके साइको के मार्क्स को जोड़कर मेरिट में आप आ जाएंगे एएलपी की, तो एएलपी में क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो आपको देखा जाएगा कि आप टेक्नीशियन की जो कट ऑफ है वो चाहे ऊपर गई है चाहे नीचे गई हो, उसमें क्वालिफाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर उसमें हो रहे हैं तो आप टेक्नीशियन में शॉर्टलिस्ट होंगे, वरना आपको। सो स्टूडेंट्स, इसको इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। टेक्नीशियन का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा लेट आएगा, जब साइको का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा और फाइनल रिज़ल्ट आएगा तभी टेक्नीशियन का रिज़ल्ट रिलीज़ किया जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।